में हमारे साथ अब मेट्रो ब्रांड्स का मैनेजमेंट जुड़ रहा है। कंपनी सभी एज ग्रुप्स के लिए फुटवेयर की बड़ी रेंज बनाती है और कंपनी की विस्तार योजना आखिर क्या है, थर्ड पार्टी के स्टोर को खोलने को लेकर क्या करार हुए हैं, कंपनी की चौथी तिमाही के नतीजों पर भी बात करेंगे। मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारेख हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। शुरुआत भले ही छोटी क्यों ना हो, अगर जज्बा दमदार हो और वक्त के हिसाब से खुद को ढालने का हुनर हो तो फिर कामयाबी दूर नहीं रह सकती। देश के सबसे बड़े फुटवेयर और एसेसरीज स्पेशलिटी रिटेलर्स में से एक मेट्रो ब्रांड्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेट्रो ब्रांड्स की शुरुआत 1955 में मुंबई के कोलाबा में एक स्टैंड अलोन शू स्टोर के तौर पर हुई। वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स जुड़ते गए और मेट्रो ब्रांड्स सभी फुटवेयर जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर डेवलप हुआ। कंपनी यंगस्टर्स, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों समेत पूरे परिवार के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज मुहैया कराती है। 30 सितंबर 2023 तक 192 शहरों में कंपनी के 826 स्टोर्स हैं। रिटेल के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मेट्रो ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और एसेट लाइट मॉडल पर फोकस करने वाली कंपनी मेटमिल और अपनी फ्रेंचाइजी के जरिए थर्ड पार्टी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बेचती है। चौथी तिमाही में भी कंपनी ने 21 नए स्टोर खोले हैं। आगे विस्तार की क्या योजनाएं हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर और पहुंच बढ़ाने की क्या रणनीति है, साथ ही नए लॉन्च की क्या तैयारी है, इसके साथ साथ कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों पर करेंगे बात। मेट्रो ब्रांड्स का मैनेजमेंट जुड़ गया है हमारे साथ। कौशल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, अब आने वाले समय में क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है तमाम पैमानों पर, उस पर बात करते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं और ई कॉमर्स के ज़रिए ये कितना आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ट्रैजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसी वित्त वर्ष की बात करें तो आप कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं? कविता जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने बोला, Q4 एंड ई कॉमर्स दोनों का मैं आपको एक क्विक अपडेट देता हूँ। Q4 में हमारा सेल्स 11% ग्रो हुआ ओवर FY23, जो हमें पता है कोविड रीओपनिंग के बाद बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस था, उसके ऊपर हमने 11% ग्रोथ रजिस्टर किया है। हमारा एबिटा 16% से बढ़ा फॉर Q4 और पैट 17% से बढ़ा Q4 में। ये मैं स्टैंड अलोन नतीजे की बात कर रहा हूँ, विदाउट टेकिंग एनी इम्पैक्ट ऑफ फीला डीमर्जर जो ये क्वार्टर में इफेक्टिव हुआ था। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स मोमेंटम हमने हमारे ई कॉमर्स सेल्स में देखा है। पूरे साल में 33% ग्रोथ रजिस्टर की है एंड फॉर FY24 9.5% ऑफ आर रेवेन्यू, हमारा जो रेवेन्यू है वो ई कॉमर्स से आया है। आगे जाके भी ई कॉमर्स एक नया एवेन्यू है जो कस्टमर यूज करते हैं एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस के लिए, तो हमारा मानना है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ई कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ से ऊपर ही बढ़ेगा। ऑलराइट, कुछ और स्टोर ओपनिंग की बात करते हैं। 225 स्टोर दो साल में, कौन कौन सी ज्योग्राफीज पर आप फोकस कर रहे हैं और ब्रांड्स को लेकर एक्सपेंशन की रणनीति क्या है? कविता जी, जैसे हमने 225 स्टोर का गाइडेंस दिया है फॉर नेक्स्ट टू इयर्स FY25 एंड FY26। अगर आप एज ऑफ नाउ मेट्रो की बात करें, वी हैव 836 स्टोर्स अक्रॉस पैन इंडिया। हमारे प्रीडोमिनेंटली 5 बैनर में ये है, मेट्रो, मोची, वॉकवे, क्रॉक्स एंड फिटफ्लॉप। हमने फुटलॉकर के साथ हमारा टाइप लास्ट क्वार्टर में हुआ था, तो फुटलॉकर के स्टोर्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ में हम ओपन करेंगे, 3 से 4 स्टोर का हमने गाइडेंस दिया है। एंड ये जो ओपनिंग होगी ये हमारे सारी फॉर्मेट्स में ग्रोथ होगा और अक्रॉस पैन इंडिया होगा। आज की तारीख में भी वी आर वेल प्रेजेंट अक्रॉस एंटायर इंडिया, ऑल 4 जोन्स एज वी जनरली स्पीक। कौशल, ये बताएं, यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव राइट्स साइन किए हुए हैं ऑपरेट करने के और ओन करने के क्रॉक्स के स्टोर्स को, खासतौर से देश के साउथ और वेस्टर्न साइड में, इससे आप इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का गाइडेंस कितना दे पाएंगे?
मैं इमीडिएट क्वार्टर की तो बात नहीं कर पाऊंगा कविता जी, बट जैसे कि हमने गाइडेंस दिया है, अगर आप लास्ट 10 इयर्स अगर हमारा केगर देखे तो अराउंड 15% का केगर रहा है सेल्स ग्रोथ का, एंड एबिटा और पैट का अराउंड 19 to 20% केगर रहा है ओवर द लास्ट 10 इयर्स। ये प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखें तो हमारे चार बैनर से ग्रोथ आई है, मेट्रो, मोची, वॉकवे एंड क्रॉप्स। लास्ट 2 साल में हमने 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स किए हैं। FY21 में फिटफ्लॉप के साथ का टाइप किया था, वो यूके बेस्ड कंपनी है, आज की तारीख में हमारे पास उसके 8 EBO स्टोर्स हैं। उसके बाद हमने फीला ब्रांड अक्वायर किया था, जो हम अभी एक स्टेबलाइजेशन एंड रीलॉन्च फेज में है। फीला के न्यू स्टोर्स हम FY26 से ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट टायर जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर स्पेस में हमने किया अपार्ट फ्रॉम फीला वाज फुटलॉकर। फुटलॉकर के स्टोर्स हम नेक्स्ट H2 ऑफ दिस FY25 प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि 15% का ग्रोथ 4 बैनर से हमने अचीव किया है लास्ट 10 इयर्स में। विथ ऑल दिस न्यू टाइप वी फील, हमें बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वी शुड बी एबल टू डिलीवर बिटवीन 15 to 20% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर फ्रॉम नाउ ऑन फॉर नेक्स्ट मेनी फाइनेंशियल ईयर्स टू कम। फिटफ्लॉप की और वॉकवे की एवरेज रियलाइजेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा कमी फिटफ्लॉप में देखी गई है और काफ़ी फ्लैट रहा है ये रियलाइजेशन वॉकवे के लिए। डिमांड ट्रेंड आउटलुक अब आज के बाद अभी से किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? कविता जी, डिमांड की बात करें तो वी हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन। अगर मैं डेटा पॉइंट आपको एक दूं, मोर देन 3,000 रुपीज MRP का कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल सेल्स में लास्ट ईयर 44% था, जो इस साल बढ़ के 50% हुआ है। अगर हम 1,500 के ऊपर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 86% था, जो बढ़ के 87% हुआ है। तो डिमांड आउटलुक इज गुड, इट इज स्टेबल। ऑब्वियसली FY24 एक स्टेबलाइजेशन ईयर था आफ्टर FY23, जो कोविड ओपनिंग के बाद हमने सभी सेक्टर ने बहुत सिग्निफिकेंट कोविड बम्प देखा। आप जो भी कह लीजिए, कोविड रीओपनिंग के बाद पेंटअप बाइंग, पेंटअप मैरिजेस, रिवेंज शॉपिंग, वेरियस टर्म्स यूज हुए थे। तो FY23 बहुत बढ़िया था। उसके FY24 में हमने FY23 के ऊपर 11% ग्रोथ किया। तो FY24 टू अ सर्टेन एक्सटेंट नॉर्मलाइजेशन एक ईयर था, और यहाँ से जाके वी आर सीइंग वेरी गुड कस्टमर ट्रैक्शन, जो डेटा पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए जिससे रिफ्लेक्ट होता है। ये भी बताइए हमें कि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज किस तरह से आप अब भुना रहे हैं और देख रहे हैं? कविता जी, अगर आप हमारा स्ट्रेटेजी देखें तो लास्ट 2 साल में हमने 2 इम्पोर्टेंट एक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन किया ऑफ क्रैविटेक्स ब्रांड्स लिमिटेड, जिससे हमें फीला और प्रोलाइन ब्रांड का एक्सेस मिला। फीला का मल्टी डिकेड लॉन्ग अग्रीमेंट है, तो वी सी अ वेरी लॉन्ग रनवे। एंड सेकेंड टायर जो हमने लास्ट क्वार्टर में किया वो फुटलॉकर के साथ किया। ये दोनों ही टायर स्पोर्ट्स एंड एथलीजर स्पेस में है। और अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो ये जो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिखा रहा है। और जैसे कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज, US या आप जो भी डेवलप कंट्री की बात कीजिए, वहां पे जो लास्ट 10 साल में स्पोर्ट्स एंड एथलीजर की ट्रेंड देखी है, वही सिमिलर ट्रेंड हमें लगता है हम इंडिया में भी देखेंगे। इंडिया में हम अभी स्पोर्ट्स एंड एथलीजर के लिहाज से आई वुड से हम जस्ट वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, एंड अ बिग बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इज येट टू कम एज इट बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेगमेंट ऑफ पीपल। एंड हमारा फोकस यहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा, दैट्स व्हाई फुटलॉकर, जहाँ पे एवरेज प्राइस पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुड बी अपवर्ड ऑफ 6 to 7,000 रुपीज, एंड फीला जहाँ पे हम प्राइस रेंज अराउंड 4 to 7,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट कौशल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग, मेट्रो ब्रांड्स की कमेंट्री आपने सुनी, और बताइए इनके तमाम विस्तार योजनाओं को लेकर और तमाम कैटेगरीज में रेवेन्यू पोटेंशियल की बातें सुनकर आप कितने कन्विंस हुए हैं और किस तरह का टेक और कॉल दर्शकों के लिए?
तो कविता, पहले तो मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से पीएलआई स्कीम चर्म उद्योग के लिए भी घोषणा की गई है और उसका भी फायदा वो सब कंपनियों को मिलेगा जो इसमें शामिल या शुमार होती हैं पीएलआई स्कीम के तहत। दूसरी तरफ चाइना और बांग्लादेश से जो डंपिंग होती थी सस्ते फुटवेयर की, उस पर रोक लगा दी सरकार के तरफ से, एंटी डंपिंग और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तीसरी तरफ कंपनी ने अभी अभी जो आप बात कर रहे थे और जो अधिग्रहण किया है 3 ब्रांड्स का, उनकी रीब्रांडिंग और रीलॉन्च को लेकर के एक अच्छा खासा मार्केट शेयर इनके पास आ सकता है। नाम काफी बड़ा है मेट्रो ब्रांड्स का फुटवेयर कैटेगरी में, और वास्तविकता में तो हमने भी इस कंपनी के बनाए गए जूते इस्तेमाल हम करते हैं और अनुभव काफी अच्छा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं दे कर सकेंगे, लेकिन एक बहुत ही उभरती हुई कंपनी है ये अपने क्षेत्र में। इसके साथ साथ थोड़ा सा रेलवे शेयर पर मैं चाहती हूँ कि हम फोकस करें, जहाँ पे तेज़ रफ्तार भी दिखाई दे रही है। तमाम काउंटर्स जो हैं यहाँ अच्छी खासी तेज़ी में हैं गौरांग आज के लिए। आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी इस पूरे क्षेत्र में और क्या रणनीति अगर किसी को सुझाने के लिए कहा जाए तो? तो इस क्षेत्र में एक कंपनी जहां पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है कविता, वो है बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया अगर आप देखने जाएं तो पिछले साल भर से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बहुत ही दायरेबंद और सीमित कारोबार, लेकिन इसके भी प्रोडक्ट हमने आजमाए हैं और काफी अच्छे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफरिंग इनके पास और मेट्रो ब्रांड्स के पास, दोनों के पास बहुत अच्छा है। बच्चों को लेकर के, युवाओं से लेकर के मध्यम वर्गीय उम्र के महिला और पुरुष के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास है, दोनों कंपनियों के पास, लेकिन जिस पर कवरेज है वो है बाटा इंडिया। दरअसल मैं आपसे रेलवे स्टॉक्स के बारे में पूछ रही थी, शायद सुनने में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कोई बात नहीं। रफ्तार में दिखाई दे रहे हैं आज, तो इनमें से आपकी पिक कौन सी होगी? क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगा कि आप हमें चर्म उद्योग के बारे में पूछ रहे थे, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। जी देखिए, पूरा रेलवे सेक्टर, मैं यहाँ तक कहूंगा कविता, और मैंने ये चर्चा हमारे ही चैनल इटिन हाउस वर्जिश पर पहले भी की है, जिस प्रकार से हमें रक्षा क्षेत्र में सुधार देखने मिला, आज देखने जाए तो रक्षा क्षेत्र बहुत ही शानदार, उसका ये कारण है क्योंकि नीतियों में बदलाव हुआ था। अब जो हम रुझान रेल से जुड़ी हुई कंपनियों में, भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियों में, उनका भी भविष्य आने वाले 3-5 साल तक बहुत ही सुरक्षित लगता है। फिर वो भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां, ये मैं नाम दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन या राय नहीं दे रहा। जैसे टीटागढ़ वैगन्स है, टीटागढ़ रेल है, कॉन्कॉर है जहां पर हमारी बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है, रेलटेल है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, ये सभी कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है, लेकिन खरीदी की राय हमारी सीमित कॉन्कॉर पर है। ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी, जो कि कंटेनर लॉजिस्टिक्स में भी बहुत बड़ा कामकाज है इनका, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियों का भविष्य आने वाले 3 से 5 साल तक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, जिस तरीके का बड़ा परिवर्तन सरकार भारतीय रेल में लेकर के आ रही है। के साथ हमारा आज का समय भी समाप्त हो गया है। धन्यवाद गौरांग, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।